बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्यक्रम पुस्तक का 16वां पाठ अहिंसाया जय अर्थात अहिंसा की जय हो पढ़ेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। पुरा कौशल देशे एके भीषण दस्यु अवसत। पुरा कहते हैं प्राचीन, कौशल देश से, कौशल देश में एक भीषण दस्यु अवसत, एक भीषण भयंकर दस्यु डाकू अवसत रहता था। प्राचीन काल में कौशल देश में एक भयंकर डाकू रहता था। तस्य नाम अंगुलीमाल आसीत। तस्य माने उसका नाम अंगुलीमाल था। लोकानाम लुठन हनन, लोगों को लूटना मारना, चैतस्य दैनिक कृत्यम, यह उसका प्रतिदिन का कार्य था। असो यान हंती इसमें, और जिसको वह मारता था, तेषाम अंगुली, उसकी अंगुली छित्वा ताभी माला विरेचे कंठे अधार्यत, उसकी अंगुली को काट करके और माला बना करके अपने गले में धारण करता था। अतः तस्य अंगुलीमाल इति नामा ख्याति, और इस प्रकार से उसने अंगुलीमाल नाम की ख्याति प्राप्त की। अंगुलीमालस्य दुष्कृत्ये प्रजातीव दुखिता आसीत। अंगुलीमाल के इस दुष्कर्मों से प्रजा बहुत अधिक दुखी थी। राजा प्रसेनजितोऽप्यस्य कुकृत्येन भृशं कष्ट प्राप्नोत्। राजा प्रसेनजीत भी उसके इस कुकृत्य से बहुत अधिक कष्ट को प्राप्त होते थे, क्योंकि वो इस प्रकार के क्रूर कार्य करता था। राजा तस्य निग्रहणे बहु प्रायत्, राजा ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की। सैन्य बलम च प्रेषयत् पर साफल्य नाभवत्, परंतु उनको कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। भगवतो बुद्धस्य शिष्य प्रसेनजित तदृश्य बुद्धम न्यवेद्यत, और इस प्रकार से उन्होंने भगवान बुद्ध के शिष्य प्रसेनजीत ने उस विषय में बुद्ध से निवेदन किया। बुद्धस्तदानीम अंगुलीमालस्य समक्षम धर्म उपदेष्टुं गते परम से बुद्धमलोक्य क्रूरत हन्तुम अधावत, परंतु वह बुद्ध को क्रूरता से मारने के लिए दौड़ा। बुद्ध स्वत पोबलेन ज्ञानम प्रकाशयत, परंतु बुद्ध ने उसको अपने तपोबल से ज्ञान प्रकाशित किया। बुद्धस्य करुणाद्र भाव, बुद्ध के करुणा भाव को विलोक्यम से चकितोभूत देखकर के वह चकित हो गया। तथा बुद्धस्य समक्षम भवनोत भवत, और उसने उनके सामने झुक गया। बुद्धस्तदा धर्मस्य परहितस्य प्रेमने करुणाश्च शिक्षाम ते अपाठ्यत, और बुद्ध ने उसे धर्म परोपकार प्रेम और करुणा की शिक्षा दी। बुद्धस्य उपदेश प्रभावाद, बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से अंगुलीमालस्य अज्ञानांधकार नष्टम, अंगुलीमाल का जो अज्ञान था वह नष्ट हो गया। से अंगुली लाना माला छित्वा खड़ग प्रक्षिपत, और उसने अंगुलियों की माला तोड़ करके फेंक दी। से परपीड़नम, और वह परपीड़नम कहते हैं दूसरों की पीड़ा पहुंचाना। चे परित्यज्य दया भावम, उसने दूसरों को जो पीड़ा वह पहुंचाता था अर्थात हिंसा का त्याग करके दया भाव को प्राप्नोत, दया भाव को प्राप्त किया। बुद्धस्य से शिष्य अभवत, जब वह बुद्ध का शिष्य हो गया। एव हिंसायाम अहिंसाया विजयो भवत, और इस प्रकार से
दूसरों को पीड़ा पहुंचाना और हिंसा पर अहिंसा की विजय हुई। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा 16वां पाठ अहिंसाया जय समाप्त हुआ। यदि बच्चों आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए भविष्य में भी इसी प्रकार की और भी वीडियो लेकर के आते रहें। और साथ ही आप हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।